राधे राधे। आज हम बात करेंगे दीपावली की। आज दीपावली के त्यौहार की धनतेरस से हम लोग किस तरीके से ऐसी पूजा करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो। पिछले कुछ समय से कोरोना काल में चलते हुए ये स्थिति बनी कि हम सबके घरों की माली हालत जो है वो खस्ता है, और जिनके पास व्यवस्था है भी तो भी हम लोग तो सब यही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, जिससे धन के आने से धर्म और धर्म के आने से सत्य और सत्य के आने से परमात्मा की प्राप्ति हो सके। अब हमको ऐसी पूजा करनी चाहिए जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अधिक समय न गंवाते हुए मैं उस मोक्ष बात पर आता हूं, जिस मोक्ष बात पर आकर आप ध्यान से अगर ये वीडियो सुनेंगे और वही प्रयास करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा जिसकी वजह से आपके घर की अशांति तो समाप्त होगी, साथ में आपका कारोबार या आपके जो धन आने पर भी कई बार खर्च हो जाता है और हमें वो तरक्की नहीं मिल पाती है, माँ लक्ष्मी कृपा कर सकती है, क्योंकि दीपावली की रात्रि अपने आप में सिद्ध रात्रि होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें धनतेरस के दिन दीपक जलाने चाहिए। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के बाहर और 13 दीपक घर के भीतर जलाने चाहिए। उसके बाद जब लोग सब खा पी के, क्योंकि हम लोगों को एक आज के समय में एक हमेशा भय सताता रहता है, उसका नाम है अकाल मृत्यु। तो इस धनतेरस वाले दिन एक स्पेशली दीपक जलाया जाता है, वो दीपक है यम के नाम का, यमराज के नाम का। और यम के नाम का जो दीपक जलाया जाता है वो सब लोग जो घर में आ जाएं, भोजन इत्यादि कर ले, छोटे बच्चे वगैरह जब सोने के लिए चले जाएं तब घर का कोई बुजुर्ग वो दीपक जला सकता है। और वो पुराने दीपक का इस्तेमाल होगा, सरसों के तेल का वो दीपक होगा। और वो दीपक जलेगा कहाँ? वो दीपक जलेगा जहाँ घर की नाली बाहर की तरफ बहती हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नाली पे, अथवा जहाँ कचरा पड़ता है वहाँ जाकर हमको वो दीपक जलाना चाहिए। इससे हमारे घर की अकाल मृत्यु जो है, जो भी घर के मेंबर्स हैं उनसे उनको मुक्ति मिलती है।